प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए गुरुवार दोपहर इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया। मोर्चे में कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट कार्यालय का घेराव कर भीतर घुसने की कोशिश की। भीड़ को रोकने के लिए बड़ी संख्या में मौजूद पुलिस ने बैरिकेड्स लगाए, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने थाली बजाते हुए सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और बैरिकेड्स हटाने लगे। वहां मौजूद पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो वे जाली फांद कर भीतर घुसने लगे। इसमें पुलिस ने पानी की बौछार की, लेकिन भीड़ नहीं हटी तो पुलिस ने हल्के बल का प्रयोग किया। पुलिस द्वारा लाठी भांजने पर कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस से बहस करने लगे। इस पर पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए कई पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। कलेक्टर के आदेश के बाद पुलिस द्वारा यह कार्रवाई की गई। समूह या कोई भी संगठन बिना पूर्व अनुमति के धरना प्रदर्शन इस तरह का आयोजन नहीं कर सकता है। भारतीय युवा मोर्चा, भारतीय बीजेपी युवा मोर्चा द्वारा जो एप्लीकेशन दिया गया था उसके आधार पर उन्हें परमिशन जारी की गई थी। वो परमिशन थी, वो कंडीशंस के तहत जारी की गई थी, और अभी मेरी जानकारी में तथ्य सामने आया है कि उसमें से काफ़ी कंडीशन का उल्लंघन हुआ है, जिस जो बेसिकली CRPC 144 के आदेश पर लग रहा है, जिसके अगेंस्ट में हम लोग अभी प्रकरण कायम करके और FIR दर्ज करा रहे हैं।